नमस्कार, सच देखो डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनका फैसला अटल है, इसलिए लोग अफवाहों से सावधान रहें। बसपा सुप्रीमो ने किसी गठबंधन में शामिल होने की खबरों पर विराम लगाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने बलबूते पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाना यह साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहाँ सही से दाल गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, अतः सर्व समाज के खासकर गरीबों शोषितों एवं उपेक्षित के हित व कल्याण के मद्देनजर बीएसपी का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाहों से जरूर सावधान रहें। बीते दिनों मायावती ने कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग भी दोहराई थी। भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों को शुभकामनाएं देते हुए और सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा था, वर्तमान बीजेपी सरकार ने जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है उनके फैसले का स्वागत है, लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तिरस्कार और उपेक्षा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, सरकार इस ओर भी जरूर ध्यान दे। उन्होंने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंबे इंतजार के बाद वीपी सिंह की सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मानित किया गया, उसके बाद दलित व उपेक्षितों के हितों के मसीहा कौशीराम जी को संघर्ष भी कोई कम नहीं है, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जी हाँ, डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर।